अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन स्टिच दिस फ्रॉक एट होम इन वेरी इजी स्टेप्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन सीने में बहुत ईजी है आप चलिए अब आप सबसे पहले तो कपड़ा देख लीजिए कि मैंने कौन सा यूज़ करी दिस इज़ अ सिल्क शाइनी सिल्क एंड ये मैं नीचे वाला पोर्शन बनाऊँगी इसको मैं ऊपर से जोड़ लगाऊँगी कोई भी नाप की शर्ट ले लीजिए फ़्रॉक ले लीजिए जो कि बच्ची को पूरी है ठीक है और बैली बटन तक का नीचे से पोर्शन हम बनाएंगे ये आपका नीचे पोर्शन हो जाएगा यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी तो ये थोड़ा बंद हो जाएगा इसलिए मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और ऊपर का जो हिस्सा है वो मैंने ये देख सकते हैं आप इस तरह आपने डबल फोल्ड करके ऊपर रखना है और इसको क्योंकि देखें थोड़ी सी स्टिचिंग में आ जाता है तो थोड़ा कपड़ा हमेशा आपको बड़ा रखना पड़ता है इस तरह फ्रेंड्स आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ये एक स्ट्रिप्स वाली फ़्रॉक है इसलिए ऊपर से गला आपका बिल्कुल सीधा होगा आ, गला होगा ही नहीं ठीक है स्ट्रिप्स होंगी और स्लीव्स आपने अच्छे से नाप से काट लेने हैं और एक फ़्रॉक की शक्ल दे देनी है इसको मेजरमेंट आप जिस भी बच्ची की बना रही हैं उसकी आप फ्रॉक से आप इसको मेजर करेंगी ये देख सकते हैं आप इस तरह आप नीचे से भी अच्छे से नीटली आपने कटिंग कर लेनी है ये हमारी कटिंग फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक स्ट्रिप्स एंड आपने जो जाली से जो इसकी ऊपर लेयर्स लगानी है वो आप कैसे लगाएंगे ये फ्रॉक हो गई है रेडी अब ये तकरीबन तीन साल की बच्ची के लिए है ठीक है यहाँ हम ऊपर जो है वो स्ट्रिप्स लगाएंगे तो स्ट्रिप्स के लिए अलग कपड़ा आपको चाहिएगा पहले तो आप स्लीव्स को अच्छे से मेजर कट कर के करके काट लेंगे ठीक है और ये देख सकते हैं आप अब मैं आपको बताती हूँ आपने ऊपर किस तरह स्ट्रिप्स तरह स्ट्रिप्स लगानी है एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें और उसकी आप दो स्ट्रिप्स काट लें पतली पतली स्ट्रिप्स होंगी उसकी वेट जो है तकरीबन स्ट्रिप की टू इंचज़ है और जो उसकी लेंथ है वो तकरीबन आप ले लें एट इंचज़ मेजर करके आप दो स्ट्रिप्स काट लें यह फ्रंट स्ट्रिप तैयार हो चुकी है अब इसको हमने यहाँ लगाना है उसको हम करेंगे ये कि सिंपल हम इसको स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद सीधा करके हमने इसको स्ट्रिप को अटैच कर लेना है फ्रॉक के साथ जिस तरह हम ऑलरेडी आपको बहुत सी वीडियोस में दिखा चुके हैं इस तरह आपने स्टिच करनी है और स्टिच करके ऐसे करके आप यहाँ पर लगा देंगे मेन जिस फ्रॉक में काम हो रहा है वो हो रहा है जाली के कपड़े का ये जाली का कपड़ा है तकरीबन वन मीटर आप ले लीजिए हाफ मीटर में भी काम चल जाएगा अगर छोटी बच्ची की फ़्रॉक बना रहे हैं अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसके लिए मुझे थोड़ी बड़ी स्ट्रिप्स चाहिए तकरीबन सिक्सटीन नीचे लगेंगी सिक्सटीन ऊपर लगेंगी इसकी जो वर्थ होगी जो नीचे लगाने वाली हैं वो तकरीबन थ्री इंचज़ है और लंबाई तकरीबन आपके पास आ जाएगी थर्टी सिक्स इंचज़ ठीक है ये हमने नीचे लगानी है घेरे पे लगानी है थोड़ी बड़ी स्ट्रिप्स चाहिए हमें नीचे के लिए दिस इज़ फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉक एंड फॉर अपर पार्ट यू ऑल्सो नीड सिक्सटीन स्ट्रिप्स ऑफ विद टू इंचज एंड थर्टी फाइव विल बी द लेंथ दिस इज़ फॉर द अपर पार्ट ऑफ द फ्रॉक यू नीड स्मॉलर स्ट्रेप्स फॉर द अपर पार्ट एंड लॉन्गर स्ट्रिप फॉर द लोअर पार्ट नाउ फ्रेंड्स ये देखें मैंने ऊपर जो स्ट्रेप्स लगानी है वो मैंने रेडी कर लिए हैं इनको मैंने स्टिच किया है और इनको सीधा कर लिया है अब फ्रेंड्स नीचे वाला जो हिस्सा है सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम उसको स्टिच कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमने अपना फाइनल काम करना है जो मेन काम है इस फ्रॉक में इस तरह जो आपने नीचे स्ट्रिप्स काटे थे दिस इज़ फॉर द लॉन्गर दीज़ आर फॉर द दीज आर लॉन्गर स्ट्रिप्स हाफ आपने रखनी है देखें आधी बायर है और आधी ऊपर है इस तरह आपने इसको यहाँ पे स्टिच करना है दो उंगलियों का फासला छोड़ के लीव टू फिंगर्स डिस्टेंस एंड देन स्टिच हाफ ऑफ द नेट विल बी आउटसाइड ऑफ द फ्रॉक एंड हाफ विल बी इनसाइड द फ्रॉक ऑन द फ्रॉक यह आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से की है इसको आपने हल्का हल्का सा आपने इसको चुनट देनी है इस तरह आपने स्टिच कर लेना है अब आप दूसरी स्ट्रिप ले लें टू फिंगर्स लीव टू फिंगर्स डिस्टेंस एंड स्टिच इट द साइड ऑफ द नेट फैब्रिक विल बी डाउनवर्ड्स ठीक है नीचे की तरफ इसका जो है वो रुख होगा इनका रुख जो है वो नीचे की तरफ होगा इस तरह आपने सारी स्ट्रिप्स आहिस्ता आहिता लगा लेनी है जितना जोड़ है वहां तक तकरीबन मैंने सोलह काटी हैं ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं किस तरह थोड़ा थोड़ा फासला देकर थोड़ी थोड़ी चुनटे बनाकर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बिल्कुल हल्की हल्की चुनट डालें दो 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 उंगलियों का फासला रख सकते हैं एक एक उंगली का देखें मैंने फासला छोड़ के मैं इसकी स्ट्रिप्स लगा रही हूँ इस तरह आपने और भी जितनी आपके पास स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं वो आपने इसके साथ लगा लेनी है फ्रेंड्स जोर तक हमारी स्ट्रिप्स पूरी हो जाएंगी अब ये आप देख सकते हैं अब हमने ऊपर की स्ट्रिप्स लगानी ऊपर देखें मैंने हल्की सी स्टिचिंग कर ली है लीव आ, की और ऊपर गले की ठीक है अब इसको आपने कैसे करना है आपने आधा बाहर रखा कपड़ा और आधा अंदर रखा ठीक है हाफ फ्रॉम द मिडल यू हैव टू स्टिच फ्रॉम द मिडल एंड उल्टा करके आपने इसको स्टिच करना है यानी लेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी the face of the strips will be upwards opposite of the lower strips which are downwards इस तरह आपने थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ के इनको इस तरह से स्टिच कर लेना है इस तरह फ्रेंड्स हमने स्ट्रिप्स लगा लेनी है अब हम आ जाते हैं जोड़ पे अब ये मेरे पास सिल्वर लेस पड़ी हुई है ठीक है जो आपका जोड़ है बीच में ठीक है द मिडिल ऑफ द फ्रॉक इन द मिडल ऑफ द फ्रॉक यू हैव टू स्टिच दिस लेस ऑन इट दिस इज़ ऑन द मेन एरिया वेयर यू हैव यू स्टिच्ड द बोथ पार्ट्स ऑफ द फ्रॉक वहाँ हमने त्रीन स्टिचिंग लगा देनी है वो आप पहली वाली जो है उसमें थोड़ा थोड़ा फासला रख लीजिएगा इस तरह आपने ये Uh, तीन जो है वो ये पतली वाली लेस थी जो कि मैंने तीन uh, दफ़ा इसको स्टिच किया इसके साथ एक अच्छी लुक देने के लिए सेम इसी तरह आपने बैक साइड पे भी बनाना है डू द सेम प्रोसेस ऑन द बैक साइड ऑफ द फ्रॉक एज़ वेल एंड देन कंबाइन बोथ एंड स्टिच बोथ ऑफ देम ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह फ्रॉक हो चुकी है रेडी ऊपर मैंने स्ट्रिप्स जो है अटैच द स्ट्रिप्स विद द फ्रॉक एंड स्टिच फ्रॉम बोथ साइड्स ये देखें दो पोर्शन हो गए मैंने स्ट्रिप्स को दोनों के साथ अटैच कर लिया है अब जो साइड्स हैं उनको मैं आपस में जोड़ लूँगी ठीक है आई ऑलरेडी स्टिच दिप्स टू द फ्रॉक एंड आम गोइंग टू स्टिच फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्रॉक ना फ्रेंड्स इट्स ऑलरेडी लेट मी शो यू द exact फ्रॉक now तो so, जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो आप काट दें एक्स्ट्रा कोई uh, चीज़ है जो कि बच्चे को रिटेट कर सकती है वो हम काट देंगे नीचे देखें स्ट्रिप्स जो हैं वो नीचे की तरफ़ है ऊपर वाली ऊपर की तरफ है दोनों साइडों से मैंने स्टिचिंग कर ली है स्ट्रिप्स पहले लगाए हैं स्ट्रिप्स लगाने के बाद मैंने साइडों से स्टिच कर ली है जोड़ में आपने लेस लगा दी है और आपकी जो है ये रेडी हो चुकी है दोनों साइडों पे हमने लगा दी हैं दोनों साइडों पे लेस लगाई है अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ये आप देख सकते हैं इट लुक सो ब्यूटीफुल ये yeah, फ्रेंड्स आपकी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है ये आपको ब्रांडेड डिज़ाइनर फ्रॉक है जो कि आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी चार पाँच हज़ार की आपको मिलेगी लेकिन मैंने आपको ये बहुत इजीली सिखा दी है कि आपने किस तरह आप इसे घर में स्टिच कर सकते हैं आई होप आपको आइडिया अच्छा लगा होगा फ़्रॉक भी अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको मेरी वीडियो से आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खुदा हाफिज़